श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का आईपीओ 5 सितंबर 2024 से लेकर 9 सितंबर 2024 तक चलेगा। इस आईपीओ का इश्यू प्राइस 78-83 रुपीस पर इक्विटी शेयर के बीच है और कंपनी का टोटल इश्यू साइज 169.65 करोड़ रुपीस है। इसमें से 122.43 करोड़ रुपीस का फ्रेश इश्यू है और 47.23 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल ओएफएस है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम लॉट साइज 180 शेयर्स है जो 14,940 रुपी का होता है। आईपीओ की लाइव सब्सक्रिप्शन डिटेल्स के मुताबिक 5 सितंबर 2024 को आईपीओ की टोटल सब्सक्रिप्शन 5.44 टाइम्स थी। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIBs की सब्सक्रिप्शन 4.44 टाइम्स थी। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 0.77 है जबकि रोएनडब्ल्यू 20.84% है। कंपनी श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स FIBCs और अन्य इंडस्ट्रियल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स जैसे वोवन सैक्स, वोवन फैब्रिक, नैरो फैब्रिक और टेप्स को मैन्युफैक्चर और सेल करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मुंबई के नजदीक है और ISO सर्टिफिकेशंस के साथ क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस करती है। आईपीओ के प्रोसीड्स का उपयोग आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स की रीपेमेंट, सब्सिडरीज HPPL, STBFL और JPPL के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए किया जाएगा। एंकर इन्वेस्टर्स के रूप में नव कैपिटल इमर्जिंग स्टार फंड, चनकाया अपॉर्चुनिटीज फंड आई और नेक्स्ट ऑर्बिट ग्रोथ फंड 3 ने 10 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है। सेंट कैपिटल फंड, स्टेप ट्रेड रेवोल्यूशन फंड और एस्ट्रोन कैपिटल VCC R1 ने मिलकर 20.9 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है। कंपनी के स्ट्रेंथ्स में उनका डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन और स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज शामिल है जो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी और कॉस्ट रिडक्शन को एनहांस करती है। लेकिन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के ग्लोबल और नेशनल स्क्रूटनी और टेक्नोलॉजी के चेंजेस के साथ अडेप्टेशन की जरूरत उनके बिजनेस ऑपरेशंस और मार्केट प्रेजेंस को इम्पैक्ट कर सकती है।